हेलो एवरीबॉडी, आप सभी हैवी एवरीडे स्माइल चैनल पर। मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही स्वादिष्ट आलू गोभी की सब्जी बन रही है, तो चलिए देखते हैं। एक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल ले लिए हैं। अब इसमें गोभी को फ्राई कर लेते हैं। गोभी को धोकर पहले ही रख लिए थे। अब इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। एक बैच हम फ्राई कर लिए हैं, इसलिए कढ़ाई थोड़ा जला हुआ दिख रहा होगा। गोभी फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम आलू काट कर रखे हैं, उसे भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, छोटा आलू लिए थे, इसको 2 टुकड़ा कर लिए हैं छील कर। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, नहीं तो ये छीटा पड़ने लगता है। आलू को भी मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। इसे थोड़ा टाइम लगेगा फ्राई होने में, तो चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच दही ले लिए हैं। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालते हैं। ये हमारे पास मिक्स मसाले हैं, इसे 1 चम्मच डाल देती हूँ। आधा चम्मच से भी करीब 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको हल्का सा पानी डाल के मिक्स करके मसाले को रख देंगे। आलू फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आ गया, गोल्डन कलर। सभी आलू को निकाल लेते हैं। इसमें इतना तेल बच गया है, 3 चम्मच तेल लिए थे, 1 चम्मच तेल इसी में डाल देते हैं। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल और डाल दिए थे। आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं, 1 तेज पत्ता डाल देते हैं। जीरा और तेजपत्ता चटक गया था, तो इसमें 1 बड़े आकार का प्याज को बारीक काट लिए। अब इसे तेज आंच में भूनेंगे। कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ लहसुन और अदरक को क्रश करके रख लिए हैं। अब इसे भी 1 मिनट प्याज के साथ भून लेंगे। लहसुन अदरक को भी 1 मिनट भून लिए थे। अब इसमें डाल देंगे 1 टमाटर काट कर रख लिए छोटे आकार में। टमाटर डाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। टमाटर जल्दी से पक जाएंगे। टमाटर गल चुका है, अब डाल देते हैं इसमें मिक्स किए हुए मसाले जो दही के साथ घोल के रखे थे। अब गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और इसे मध्यम आंच में भुनेंगे। कटोरी में थोड़ा मसाले रह गए थे, तो पानी डालकर इसे निकाल लिए हैं। अब लगातार चलाते हुए भुनेंगे मसाले को। तेल सेपरेट होने लगा है, तो यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं।
इसे भी मसाले के साथ भून लेंगे 2 मिनट। ये तेल अलग होने लगा है, यहाँ पे 1 कटोरी फ्रेश मटर डाल दे रहे हैं और साथ ही साथ इसमें 1 पिंच चीनी डालेंगे। हल्का सा इसमें पानी डाल देते हैं। ताकि मसाले जले नहीं। मटर भी 2 मिनट भून लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे ये आलू गोभी जो फ्राई करके रखे थे और इसे भी अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेते। इसे भूनना नहीं है, सिर्फ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देते हैं 1/2 कप पानी, क्योंकि आलू भी पके हुए हैं, ये देखिए, और हमारा गोभी भी पका हुआ है, फ्राई किए हैं तो पक चुका था वो। अब इसमें डाल देंगे 1/2 कप के करीब पानी। यहाँ हम गर्म पानी ले रहे हैं, बस और पानी नहीं डालेंगे। इसे ढककर 2 मिनट सिर्फ पका लेंगे। ये देखिए गैस के आंच को सीम पे कर देंगे। अच्छा कलर आया है। ये तेज पत्ता को हटा दे रहे हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। इसका फ्लेवर आ गया है सब्जी में। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और इसे ढककर 2 मिनट सिर्फ पकाएंगे। सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के।